हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे परीक्षा धाम पब्लिकेशन की मध्य प्रदेश जीके से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की पुस्तक से मध्य प्रदेश में समसामयिकी या करंट अफेयर से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। दोस्तों, यह वीडियो इस अध्याय का भाग दो है। इसके पहले हम भाग एक में इस अध्याय से संबंधित 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कंप्लीट कर चुके थे। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 51 से चर्चा करेंगे और यह वीडियो इस पुस्तक का अंतिम वीडियो होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न क्रमांक 51 से। दोस्तों, देश की पहली ई कचरा क्लिनिक कहाँ खोली गई है? ऑप्शन नंबर ए, देश की पहली ई कचरा क्लिनिक भोपाल में खोली गई है। प्रश्न क्रमांक 52, हाल ही में मिंटो हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो दोस्तों, कुशाभाऊ ठाकरे हॉल ऑप्शन नंबर ए, मिंटो हॉल का नाम बदलकर कर दिया गया है। दोस्तों, मिंटो हॉल भोपाल में स्थित है। यह पुराना विधानसभा भवन है। इसके वास्तुकार एस सी रॉबिन थे। दोस्तों, मिंटो हॉल का निर्माण शाहजहां बेगम ने वायसराय लॉर्ड मिंटो के स्वागत में बनवाया था या करवाया था। प्रश्न क्रमांक 53, 2020 में योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो दोस्तों, 2020 में योजना आयोग का नाम बदलकर मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग कर दिया गया है। अब हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग की। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य योजना आयोग का नाम बदलकर 2020 में राज्य नीति एवं योजना आयोग कर दिया गया है। राज्य नीति एवं योजना आयोग के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। प्रश्न क्रमांक 54, हमें निम्न कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चयन करना है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। यह कथन बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग में 6 सदस्य होंगे। दोस्तों, यह कथन भी सही है एवं इसका कार्यकाल 5 वर्ष होगा। यह कथन भी सही है। तो दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 54 में दिए हुए तीनों कथन सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही जवाब है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग की। दोस्तों, इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। इस आयोग में कुल 6 सदस्य होंगे। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा और दोस्तों, इस आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष चेतन कश्यप हैं। प्रश्न क्रमांक 55, मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? ऑप्शन नंबर डी, श्री चेतन कश्यप। प्रश्न क्रमांक 56, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बजट 2021 में मिशन बोधि का संबंध किससे है? तो दोस्तों, मिशन बोधि का संबंध शिक्षा एवं स्वास्थ्य से है, ऑप्शन नंबर सी। अब हम डिटेल में बात करते हैं मिशन बोधि के बारे में। दोस्तों, 21वीं सदी के अनुरूप स्मार्ट क्लासरूम, CM सनराइज स्कूल की स्थापना, शिक्षकों की भर्ती का प्रावधान, दोस्तों छात्रावास का निर्माण, उच्च शिक्षा एवं स्पोर्ट्स के लिए प्रोत्साहन, पोषण वाटिकाओं से कुपोषण दूर करने के प्रयास, यह सब मिशन बोधि के अंदर समाहित किया गया है। प्रश्न क्रमांक 57, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बजट 2021 में मिशन दक्ष का संबंध किससे है? तो दोस्तों, मिशन दक्ष रोजगार से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, मिशन दक्ष के तहत वोकल फॉर लोकल का आह्वान, मेगा ITI ग्लोबल स्किल पार्क से कौशल विकास एवं रोजगार पर ध्यान केंद्रित करना इसका उद्देश्य है। प्रश्न क्रमांक 58, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बजट 2021 में मिशन नगरोदय का संबंध किससे है? तो दोस्तों, मिशन नगरोदय का संबंध स्मार्ट सिटी से है, ऑप्शन नंबर ए। बेहतर नागरिक सुविधाओं को प्रदान करने हेतु प्रदेश के शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य मिशन नगरोदय में रखा गया है। प्रश्न क्रमांक 59, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो दोस्तों, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था मध्य प्रदेश की है, हम सभी जानते हैं। हम मध्य प्रदेश को कृषि प्रधान राज्य भी कहते हैं क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। प्रश्न क्रमांक 60, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बजट 2021 में भौतिक अधोसंरचना के अंतर्गत मिशन शामिल नहीं है।
तो दोस्तों इनमें से कौन सा मिशन है जो भौतिक अधोसंरचना के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो दोस्तों आत्मनिर्भर बजट मध्य प्रदेश 2021 में भौतिक अधोसंरचना के अंतर्गत मिशन निर्माण, मिशन ग्रामोदय, मिशन नगरोदय तीनों को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर डी मिशन जनगण इसमें शामिल नहीं है। अब हम चर्चा करते हैं मिशन जनगण के लक्ष्यों की। दोस्तों सहजता से आम जन को नागरिक सेवाएं पारदर्शिता एवं संवेदनशीलता के साथ समय सीमा में उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों एकत्व कार्यक्रम के तहत एकल नागरिक डाटाबेस तैयार करना मिशन जनगण के लक्ष्य में शामिल है। दोस्तों परिचय कार्यक्रम के माध्यम से एक ही पोर्टल पर सभी प्रकार की नागरिक सेवाएं उपलब्ध करवाने का लक्ष्य भी इस मिशन में रखा गया है। महिला सशक्तिकरण हेतु सम्मान एवं मुस्कान अभियान को जारी रखना मिशन जनगण के लक्ष्य हैं। कानून एवं न्याय व्यवस्था, भूलेख तथा खाद्य सुरक्षा हेतु उत्कृष्ट प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना, दोस्तों यह सभी लक्ष्य मिशन जनगण के अंतर्गत आते हैं। इस मिशन में अधोसंरचना अर्थात भौतिक अधोसंरचना के बारे में चर्चा नहीं की गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 60 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 61, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बजट 2021 में मिशन अर्थ का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों मिशन अर्थ का उद्देश्य है किसानों को उचित मूल्य दिलवाना, उद्योगों में निवेश बढ़ाना, गौ वंश संवर्धन। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों उद्देश्य मिशन अर्थ के हैं। मुख्यमंत्री फसल उपार्जन योजना के अंतर्गत कृषि उत्पादकता तथा किसानों को उचित मूल्य दिलवाने हेतु ध्यान केंद्रित किया गया है मिशन अर्थ में। दोस्तों मिशन अर्थ में उद्योगों में निवेश को बढ़ावा देना शामिल है। स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज पर विशेष ध्यान दिया गया है मिशन अर्थ में। एक जिला एक उत्पाद योजना, गौवंश संवर्धन, यह सभी बातें मिशन अर्थ के उद्देश्य में शामिल की गई हैं। प्रश्न क्रमांक 62, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बजट 2021 में मिशन निरामय का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों मिशन निरामय का उद्देश्य है स्वास्थ्य सेवा एवं प्रबंधन, बिल्कुल सही। टेली मेडिसिन को बढ़ावा देना, दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भी सही है। मेडिकल कॉलेजों में सीटों को बढ़ाना भी सही है ताकि डॉक्टरों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके, ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी प्रश्न क्रमांक 62 का सही जवाब है। अब हम एक बार फिर से चर्चा करते हैं मिशन निरामय के उद्देश्यों की। दोस्तों स्वास्थ्य सेवाओं और प्रबंधन को विश्व स्तरीय बनाने का प्रयास एवं टेलीमेडिसिन सेवाओं पर विशेष ध्यान केंद्रण मिशन निरामय में शामिल है। मेडिकल कॉलेज में सीटों की बढ़ोतरी एवं सुविधाओं का विकास करना भी मिशन निरामय के उद्देश्य हैं। प्रश्न क्रमांक 63, दोस्तों दिसंबर 2021 में कितने नए मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय मध्य प्रदेश कैबिनेट ने लिया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दिसंबर 2021 में 6 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय मध्य प्रदेश कैबिनेट ने लिया है। दोस्तों 1 दिसंबर 2021 को ही कैबिनेट बैठक में 6 नए मेडिकल कॉलेज जो कि मंदसौर, सिंगरौली, श्योपुर, खंडवा, राजगढ़, नीमच में खोले जाएंगे, इनका निर्णय लिया गया है। प्रश्न क्रमांक 64, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बजट 2021 में मिशन निर्माण के अंतर्गत क्या शामिल है? तो दोस्तों मिशन निर्माण में सड़क निर्माण, सिंचाई परियोजनाएं, ग्रामीण घरों में नल जल की सुविधा तीनों विकल्प शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 64 का सही जवाब है। मिशन निर्माण के लक्ष्यों की यदि हम बात करें तो दोस्तों 2441 किलोमीटर की सड़कें, 65 पुलों और 105 ROB के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों सिंचाई रकबा बढ़ाने का लक्ष्य, 164 नवीन सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। जल जीवन मिशन द्वारा 33 लाख ग्रामीण घरों तक नल जल पहुंचाने का लक्ष्य भी मिशन निर्माण के अंतर्गत रखा गया है। प्रश्न क्रमांक 65, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बजट 2021 में मिशन ग्रामोदय का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों मिशन ग्रामोदय का उद्देश्य है स्व सहायता समूह अर्थात सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ावा देना, दोस्तों बिल्कुल सही। स्वच्छ भारत मिशन को प्रोत्साहन देना, दोस्तों यह भी मिशन ग्रामोदय के उद्देश्य के अंतर्गत शामिल है। इसमें ग्रामों में कंप्यूटर साक्षरता को प्रोत्साहन देना शामिल नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी अर्थात उपरोक्त दोनों ऑप्शन ए एवं ऑप्शन बी मिशन ग्रामोदय के उद्देश्य हैं। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं मिशन ग्रामोदय के उद्देश्यों की डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। दोस्तों ग्रामीण आमदनी को बढ़ाने हेतु बल, स्व सहायता समूह को प्रोत्साहन देना,
स्वच्छ भारत, पीएम आवास और मनरेगा पर संपूर्ण ध्यान केंद्रित करना मिशन ग्रामोदय के उद्देश्य हैं। प्रश्न क्रमांक 66, वर्ष 2020 को औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश का देश में वर्ष 2020 की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में चौथा स्थान, ऑप्शन नंबर सी। प्रथम स्थान पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में आंध्र प्रदेश का स्थान प्रथम है। प्रश्न क्रमांक 67, 2021-22 का मध्य प्रदेश बजट किसने प्रस्तुत किया? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, जगदीश देवड़ जी ने 2021-22 का मध्य प्रदेश बजट पेश किया। अब हम बात करते हैं जगदीश देवड़ा जी के बारे में। दोस्तों, इनका जन्म नीमच जिले में हुआ था। यह मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हैं। वर्तमान मध्य प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री के पद पर नियुक्त हैं। इन्होंने 2 मार्च 2021 को मध्य प्रदेश विधानसभा में वर्ष 2021-22 का बजट प्रस्तुत किया। प्रश्न क्रमांक 68, मध्य प्रदेश बजट 2021-22 के अन्य नाम आप बताएं। इसमें आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बजट, यह इसका नाम था। जनता का बजट भी मध्य प्रदेश बजट 2021-22 को कहा गया। डिजिटल बजट के नाम से भी मध्य प्रदेश बजट 21-22 को संबोधित किया गया। तो दोस्तों, यह तीनों नाम मध्य प्रदेश बजट 2021-22 के हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। दोस्तों, मध्य प्रदेश बजट 2021-22 में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, जनता का बजट जिसमें जनता के सुझावों को शामिल किया है, डिजिटल बजट के नाम से हमने प्रस्तुत किया है। प्रश्न क्रमांक 69, मध्य प्रदेश में किस स्थान पर पुलिस कर्मियों की सुविधा के लिए पुलिस चिकित्सालय खोलने का निर्णय लिया गया है? तो दोस्तों, पुलिस चिकित्सालय पुलिस कर्मियों की सुविधा हेतु भोपाल में खोलने का निर्णय लिया गया है। अब हम बात करते हैं पहला पुलिस चिकित्सालय की। दोस्तों, प्रदेश के पुलिस कर्मियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भोपाल में पुलिस आपातकालीन चिकित्सालय का निर्माण कराया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 70, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत अनूपपुर जिले में किसका चयन किया गया है? तो दोस्तों, अनूपपुर जिले से कोदो कुटकी का चयन एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत किया गया है। अब हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चर्चा करते हैं कि एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत जिले एवं उनसे संबंधित उत्पादों की जिनका चयन किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर एक तरफ जिले दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उन जिलों से चुने गए उत्पादों के बारे में जानकारी दी हुई है। दोस्तों, अनूपपुर जिले से कोदो कुटकी, सिवनी जिले से जीरा शंकर चावल, दमोह जिले से काबुली चना, बैतूल जिले से सगौना वृक्ष का चयन एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत किया गया है। प्रश्न क्रमांक 71, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत अलीराजपुर जिले में किसका चयन किया है? तो दोस्तों, अलीराजपुर जिले से सफ़ेद मूसली, ऑप्शन नंबर ए का चयन किया गया है। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें फिर से एक तरफ जिला एवं एक तरफ उत्पाद दिए हुए हैं जिनका चयन एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत किया गया है। तो दोस्तों, अलीराजपुर से सफ़ेद मूसली का चयन हुआ है, निवाड़ी से मूंगफली, भिंड से बाजरा एवं रीवा से हल्दी का चयन एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत किया गया है। प्रश्न क्रमांक 72, मध्य प्रदेश 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, 1,03,288 रुपये मध्य प्रदेश 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय है। अब हम चर्चा करते हैं प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 2019-20 के परिप्रेक्ष्य में। दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश में 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय 1,03,288 रुपये है। प्रश्न क्रमांक 73, साइबर तहसील का निर्माण करने वाला मध्य प्रदेश कौन सा राज्य है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसने साइबर तहसील का निर्माण किया। दोस्तों, मध्य प्रदेश में अब प्रॉपर्टी और जमीनों के अविवादित नामांतरण के लंबित मामलों का निराकरण करने के लिए अलग साइबर तहसील यानी हाईटेक राजस्व कोर्ट का गठन होगा। हर दो जिलों के बीच एक साइबर तहसील बनेगी। इसमें पक्षकारों के बयान ऑनलाइन होंगे। मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा जहां पर साइबर तहसील का गठन किया जा रहा है।
प्रश्न क्रमांक 74, मध्य प्रदेश के किन शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की जाएगी? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं इंदौर एवं भोपाल में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी गई है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 74 का सही जवाब है। दोस्तों मध्य प्रदेश के दो प्रमुख शहरों भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है। इसके बाद पुलिस कमिश्नर को मजिस्ट्रियल पावर दिए जाएंगे ताकि वे कानून व्यवस्था के कार्य को प्रभावी तरीके से संपादित कर सकें। इसमें पुलिस को धारा 144 लागू करने के लिए कलेक्टर के आदेश का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्रश्न क्रमांक 75, 9वीं नेशनल ड्रैगन बोट रेसलिंग प्रतियोगिता में 2 मेडल जीतने वाले कौन खिलाड़ी हैं? ऑप्शन नंबर ए बिलाल खान ने 2 मेडल जीते हैं। अब हम चर्चा करते हैं 9वीं नेशनल ड्रैगन बोट रेसिंग की। दोस्तों 2021 9वीं नेशनल ड्रैगन बोट रेसिंग प्रतियोगिता हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुई। इस प्रतियोगिता में मयंक ठाकुर, सोहेल खान और बिलाल खान सहित अन्य खिलाड़ियों ने भाग लिया। भोपाल के बिलाल खान ने इस प्रतियोगिता में 2 पदक अपने नाम किए। प्रश्न क्रमांक 76, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन नंबर सी राजेश लाल मेहरा जी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष हैं। दोस्तों 6 माह से कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर कार्य करने वाले राजेश लाल मेहरा को नवंबर 2021 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अन्य सदस्यों में कृष्णकांत शर्मा और चंद्रशेखर रैकवार हैं। दोस्तों राजेश लाल मेहरा ने डॉक्टर भास्कर चौबे का स्थान ग्रहण किया। प्रश्न क्रमांक 77, मध्य प्रदेश में देवारण्य योजना का संबंध किससे है? तो दोस्तों देवारण्य योजना का संबंध औषधि एवं रोजगार से है। अब हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश देवारण्य योजना की। दोस्तों मध्य प्रदेश में आयुष को बढ़ावा देने और उसे रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने देवारण्य योजना बनाई है। प्रदेश में देवारण्य योजना के माध्यम से आयुष औषधियों के उत्पादन की एक पूरी वैल्यू चेन का विकास किया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 78, 6 जुलाई 2021 को मध्य प्रदेश में किन्हें राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो दोस्तों मंगू भाई पटेल को 6 जुलाई 2021 को मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया। दोस्तों मंगू भाई छगन भाई पटेल भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के 19वें और वर्तमान राज्यपाल हैं। यह गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं। यह वर्ष 2014 में गुजरात विधानसभा के कार्यकारी उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। दोस्तों इनका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र गुजरात का नवसारी है। प्रश्न क्रमांक 79, मध्य प्रदेश वन मंत्रालय किसके अधीन है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी श्री विजय शाह के अधीन मध्य प्रदेश वन मंत्रालय है। अब हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख मंत्री 2021 के बारे में। दोस्तों श्री नरोत्तम मिश्रा गृह जेल विधि एवं संसदीय कार्य मंत्रालय इनके यहाँ पास है। श्री जगदीश देवड़ा वित्त वाणिज्य कर योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्रालय यह संभालते हैं। श्री गोपाल भार्गव लोक निर्माण कुटीर एवं ग्राम उद्योग इनके पास है। श्री विजय शाह वन मंत्रालय इनके पास है। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 80 की। मध्य प्रदेश खेल एवं युवा कल्याण मंत्री कौन है? ऑप्शन नंबर सी श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया मध्य प्रदेश खेल एवं युवा कल्याण मंत्री हैं। अब हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख मंत्री 2021 के बारे में। श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, श्री कमल पटेल किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्रालय, श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय, श्री प्रभुराम चौधरी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। प्रश्न क्रमांक 81, मध्य प्रदेश पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय किसके अधीन है? ऑप्शन नंबर बी सुश्री उषा ठाकुर के अधीन मध्य प्रदेश पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय है। अब हम फिर से एक बार चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख मंत्री 2021 के बारे में। दोस्तों कुमारी मीना सह मांडवे जनजातीय कार्य विभाग अनुसूचित जाति कल्याण मंत्रालय, सुश्री उषा ठाकुर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय, श्री हरदीप सिंह डंग नवीकरणीय ऊर्जा एवं पर्यावरण मंत्रालय, श्री तुलसी सिलावट जल संसाधन एवं मछुआ कल्याण मंत्रालय। प्रश्न क्रमांक 82, मध्य प्रदेश बजट 2021-22 पर विचार कीजिए एवं उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा शेष सही है उनको सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों स्मार्ट सिटी में आवंटित राशि 900 करोड़ रुपए है वर्ष 2021-22 के मध्य प्रदेश बजट में, यह कथन सही है। जल जीवन मिशन हेतु
5,762 करोड़, यह भी सही है। निर्मल भारत अभियान हेतु 500 करोड़, दोस्तों यह कथन भी सही है। प्रश्न क्रमांक 82 में दिए हुए तीनों कथन सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 82 का सही जवाब है। अब हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश बजट 2021-22 में आवंटित राशियों की। दोस्तों इसमें स्मार्ट सिटी हेतु 900 करोड़, जल जीवन मिशन हेतु 5,762 करोड़, निर्मल भारत अभियान हेतु 500 करोड़, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु 1,001 करोड़, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हेतु 3,035 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। दोस्तों मध्य प्रदेश बजट 2021-22 में मध्य प्रदेश आकस्मिक निधि में कितने धनवेशन का प्रावधान किया गया है, प्रश्न क्रमांक 83। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 500 करोड़। दोस्तों मध्य प्रदेश बजट 2021-22 में मध्य प्रदेश आकस्मिक निधि में 500 करोड़ धनवेशन का प्रावधान किया गया है। प्रश्न क्रमांक 84, राशन आपके ग्राम योजना का प्रारंभ कब से हुआ, ऑप्शन नंबर ए 15 नवंबर 2021 को राशन आपके ग्राम योजना का प्रारंभ हुआ। अब हम बात करते हैं राशन आपके ग्राम योजना की। दोस्तों इस योजना का प्रारंभ 15 नवंबर 2021 को भोपाल से जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस योजना के तहत उन आदिवासी क्षेत्रों में जहां राशन वितरण मूल्य की दुकान नहीं है, उन क्षेत्रों में राशन घर घर पहुँचाया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 85, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत कितनी राशि ऋण के रूप में प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों मुख्यमंत्री उद्यम योजना के तहत 1 से 50 लाख रुपए की राशि ऋण के रूप में प्रदान की जाएगी। अब हम चर्चा करते हैं मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की। दोस्तों इस योजना का प्रारंभ 15 नवंबर 2021 को मध्य प्रदेश के भोपाल से हुआ। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत 12वीं पास 18 साल से 40 साल की युवाओं को 1 लाख से 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 86, अप्रैल 2020 को किस राज्य में राज्य के नागरिकों की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने हेतु जीवन अमृत योजना की शुरुआत की गई। तो दोस्तों जीवन अमृत योजना की शुरुआत अप्रैल 2020 में मध्य प्रदेश में की गई एवं यह योजना नागरिकों की प्रतिरक्षा प्रणाली बढ़ाने से संबंधित थी। अब हम चर्चा करते हैं जीवन अमृत योजना की। दोस्तों 28 अप्रैल 2020 को मध्य प्रदेश के नागरिकों की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने हेतु एक अनूठी योजना जीवन अमृत योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत राज्य सरकार नागरिकों को मुफ्त में आयुष विभाग द्वारा तैयार किए गए त्रिकुट चूर्ण और 50 ग्राम काढ़े का पैकेट वितरित करेगी। प्रश्न क्रमांक 87, दीदी वाहन सेवा किस राज्य में शुरू की गई। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दीदी वाहन सेवा मध्य प्रदेश राज्य में शुरू की गई। दोस्तों दीदी वाहन सेवा ग्रामीण महिलाओं के प्रसव की सुरक्षित सुविधा के लिए चालू की गई थी। प्रश्न क्रमांक 88, धर्म परिवर्तन के खिलाफ किस राज्य ने धार्मिक स्वतंत्रता बिल 2020 को मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश ने धर्म परिवर्तन के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता बिल 2020 को मंजूरी दी है। अब हम चर्चा करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता बिल 2020 की। दोस्तों धर्म परिवर्तन के खिलाफ मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता बिल 2020 को मंजूरी दी। नाबालिग SC/ST वर्ग से संबंधित महिला या व्यक्ति का जबरन धर्म परिवर्तन करवाने वाले व्यक्ति को मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता बिल 2020 के तहत 50,000 रुपये की न्यूनतम दंड के साथ 2 से 10 साल के जेल की सजा सुनाई जा सकती है। प्रश्न क्रमांक 89, मध्य प्रदेश सरकार ने किस दिन को शहीद सम्मान दिवस मनाने की घोषणा की। तो दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने 14 अगस्त को शहीद सम्मान दिवस मनाने की घोषणा की। दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहीदों की याद में 14 अगस्त के दिन शहीद सम्मान दिवस मनाने की घोषणा की। प्रश्न क्रमांक 90, कौन सा शहर भारत का लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इंदौर शहर भारत का 5वीं बार लगातार सबसे स्वच्छ शहर बना है। दोस्तों केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में मध्य प्रदेश का इंदौर शहर लगातार 5वीं बार देश भर का सबसे साफ सुथरे शहरों की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा। इसमें सूरत को द्वितीय स्थान और विजयवाड़ा को तृतीय स्थान मिला है। प्रश्न क्रमांक 91,
हाल ही में भोपाल के सोमदत्त शास्त्री का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो दोस्तों सोमदत्त शास्त्री जी पत्रकारिता से संबंधित थे। प्रश्न क्रमांक 92, राष्ट्रपति श्री कोविंद द्वारा वर्ष 2020 के लिए मध्य प्रदेश से कथक नृत्य एवं कोरियोग्राफी के लिए श्री पुरुषोत्तम दधीच को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर सी, पद्म श्री से। अब हम चर्चा करते हैं पुरुषोत्तम दधीच की। दोस्तों राष्ट्रपति श्री कोविंद द्वारा वर्ष 2020 के लिए मध्य प्रदेश से कथक नृत्य एवं कोरियोग्राफी के लिए श्री पुरुषोत्तम दधीच को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रश्न क्रमांक 93, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाला राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर बी, कबीर सम्मान 2020 से मनोज श्रीवास्तव जी को सम्मानित किया गया और यह पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार प्रदान करती है। प्रश्न क्रमांक 94, मध्य प्रदेश का पहला स्कूबा डाइविंग स्कूल कहाँ खोला जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ओमकारेश्वर में मध्य प्रदेश का पहला स्कूबा डाइविंग स्कूल खोला जाएगा। दोस्तों मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में, जो कि खंडवा जिले में स्थित है, पहली बार स्कूबा डाइविंग स्कूल खोला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 95, देश का कौन सा राज्य उलगुलान एक क्रांति फीचर फिल्म का डिजिटल रिलीज करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। अब हम बात करते हैं उलगुलान एक क्रांति। दोस्तों देश का मध्य प्रदेश राज्य उलगुलान एक क्रांति, जो कि बिरसा मुंडा पर आधारित फीचर फिल्म है, का डिजिटल रिलीज करने वाला पहला राज्य बन गया है। प्रश्न क्रमांक 96, एयर क्वालिटी इंडेक्स की सूची में मध्य प्रदेश का सबसे कम प्रदूषित शहर कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एयर क्वालिटी इंडेक्स की सूची में मध्य प्रदेश का सबसे कम प्रदूषित शहर सागर है। प्रश्न क्रमांक 97, हाल ही में डॉक्टर हरी सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी? ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर हरी सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता बनी। अब हम चर्चा करते हैं प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता जी के बारे में। हाल ही में डॉक्टर हरी सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर की पहली महिला कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता बनी है। प्रश्न क्रमांक 98, हाथी महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया? ऑप्शन नंबर डी, उमरिया जिले में हाथी महोत्सव का आयोजन किया गया। दोस्तों हाथी महोत्सव का आयोजन उमरिया जिले के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में आयोजित किया गया। प्रश्न क्रमांक 99, नॉर्वे देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आस्टा सीहोर में नॉर्वे देश द्वारा पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 100, पोषण वाटिका का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो दोस्तों पोषण वाटिका को अब माँ की बगिया के नाम से जाना जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं माँ की बगिया की। दोस्तों पोषण वाटिका किचन गार्डन का नाम बदलकर अब माँ की बगिया कर दिया गया है। प्रदेश की 62,500 आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका बनाई जा रही हैं। दोस्तों मनरेगा के अंतर्गत हर शासकीय स्कूल में पोषण वाटिका किचन गार्डन बनाए जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 101, देश का पहला गौ कैबिनेट लागू करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। अब हम बात करते हैं गौ कैबिनेट की। दोस्तों गौ कैबिनेट गठन करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। गौ कैबिनेट में 5 अन्य सदस्यों में गृह मंत्री, वन मंत्री, कृषि मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री और पशुपालन मंत्री शामिल होंगे। प्रश्न क्रमांक 102, मध्य प्रदेश गौ कैबिनेट से संबंधित सही कथनों का चयन कीजिए। दोस्तों इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, यह कथन बिल्कुल सही है। अन्य 5 सदस्यों में गृह मंत्री, वन मंत्री, कृषि मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री एवं पशु मंत्री शामिल होंगे, यह कथन भी सही है। दोस्तों गौ कैबिनेट गठन करने वाला मध्य प्रदेश देश का दूसरा राज्य है। दोस्तों यह कथन गलत है, क्योंकि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी, कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सही है। तीसरा कथन प्रश्न क्रमांक 102 में गलत है। प्रश्न क्रमांक 103, हाल ही में मध्य प्रदेश में POP से बनी प्रतिमाओं को प्रतिबंधित किया गया था। तो दोस्तों POP से बनी मूर्तियां पानी में देर से घुलती हैं, यह सही कारण था जिसके कारण इन प्रतिमाओं को प्रतिबंधित किया गया। दूसरा विकल्प है POP में जिप्सम,
सल्फर सहित कई जहरीले तत्व होते हैं। दोस्तों यह कथन भी सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त तो दोनों कथन सही हैं, जिसके कारण हमने पीओपी को बैन किया था। चौथा कथन है पीओपी की कीमत अधिक होती है। दोस्तों यहाँ पर कीमत को ध्यान में नहीं रखा गया है, पर्यावरण को ध्यान में रखा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 103 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 104, ग्रामीण पर्यटन में मध्य प्रदेश के किस गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेट का अवार्ड दिया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी लाड़पुड़ा, जो कि मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले का गांव है, उसके लिए ग्रामीण पर्यटन में मध्य प्रदेश से बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड दिया गया है। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं ग्रामीण पर्यटन में मध्य प्रदेश को मिली बड़ी उपलब्धि। दोस्तों निवाड़ी के लाड़पुरा खास गांव को ग्रामीण पर्यटन में बेहतर प्रदर्शन के लिए यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की ओर से बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिलेगा। अब हम चर्चा करते हैं 105 प्रश्न की। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 105 में है, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के तहत लाडली को कॉलेज में प्रवेश लेने पर कितनी राशि दी जाएगी? ऑप्शन नंबर डी 25,000 रुपये की राशि इस योजना के तहत प्रदान की जाएगी। अब हम चर्चा करते हैं लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के प्रावधानों की। दोस्तों लाडली लक्ष्मी को कॉलेज में प्रवेश लेने पर 25,000 की राशि प्रदान की जाएगी। अनाथ बालिकाओं को लाडली लक्ष्मी योजना में जोड़ा जाएगा। 18 वर्ष से ऊपर की लाडली लक्ष्मी को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 106, पुलिस कमिश्नर प्रणाली में कितने थाना क्षेत्रों को शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसमें भोपाल के 38 पुलिस थाना क्षेत्र एवं इंदौर के 36 पुलिस थाना क्षेत्रों को लागू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 106 का सही जवाब है। अब हम एक बार फिर से चर्चा करते हैं पुलिस कमिश्नर प्रणाली में शामिल थाना क्षेत्रों की। तो दोस्तों भोपाल के 38 पुलिस थाना क्षेत्र एवं इंदौर के 36 पुलिस थाना क्षेत्रों को पुलिस कमिश्नर प्रणाली में शामिल किया गया है। यदि प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश के कुल कितने जिलों को पुलिस कमिश्नर प्रणाली में शामिल किया गया है, तब आपको दोनों को जोड़ देना है और आंसर होगा 74 थाना क्षेत्र कुल ऐसे हैं जिनको पुलिस कमिश्नर प्रणाली में शामिल किया गया है। दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र के पुलिस थानों इस प्रणाली में शामिल नहीं होंगे। प्रश्न क्रमांक 107, भोपाल के पहले कमिश्नर नियुक्त कौन किए गए हैं? ऑप्शन नंबर बी मकरंद देवस्कर को भोपाल का पहला कमिश्नर नियुक्त किया गया है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, जबकि आंसर ऑप्शन नंबर बी है। दोस्तों मकरंद देवस्कर को भोपाल शहर और हरि नारायण ब्रह्मचारी को इंदौर शहर का पहला कमिश्नर बनाया गया है। प्रश्न क्रमांक 108, नेशनल हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 2021 के आधार पर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लड़कियों की जन्मदर किस जिले में है? ऑप्शन नंबर ए, नेशनल हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 2021 के आधार पर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लड़कियों की जन्मदर खंडवा जिले में है। अब हम चर्चा करते हैं नेशनल हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 2021 की। दोस्तों यहाँ पर एक तरफ जिला एवं दूसरी तरफ बालिका जन्मदर दिया हुआ है। दोस्तों खंडवा जिले में बालिका जन्मदर प्रति 1,000 बालकों पर 1,272 है। भोपाल जिले में प्रति 1,000 बालकों पर 1,261, सिवनी जिले में प्रति 1,000 बालकों पर 1,212 बालिकाएँ, झाबुआ जिले में प्रति 1,000 बालकों पर 1,056 बालिकाएँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और इसी वीडियो के साथ हमारी परीक्षाधाम पब्लिकेशन की मध्य प्रदेश जीके से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की पुस्तक पूर्णतः समाप्त होती है। यदि आपको हमारे द्वारा बनाए गए इस पुस्तक के सारे वीडियोस किसी भी तरीके से आपके एग्जाम की तैयारी में आपकी सहायता करते हैं, तो आप हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें। दोस्तों ऐसे लोगों तक शेयर जरूर करें जिन्हें हमारे इन वीडियोस से लाभ हो सकता है। आपने अब तक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, और यदि बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले समय में जितने भी वीडियोस हम आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपके लिए उपलब्ध करवाते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यदि आप देखते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। यहाँ पर हम आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड स्टडी मटेरियल, एग्ज़ाम की अपडेट्स, करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चंस एवं डाटा आपको उपलब्ध करवाते हैं।
आप हमारी इस सुविधा का लाभ भी ले सकते हैं। तो दोस्तों जुड़े रहें हमारे साथ, लगातार सीखते रहें, तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। धन्यवाद।